अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हरारत न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट यशफी इरशाद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है और उम्मीदवार जो है अपने फॉर्म जमा करवाने आ रहे हैं। आइए उन उम्मीदवारों से बातचीत करते हैं। बड़ा पहली बात यह है कि हम पहले भी इलाके के हैं, सोशल वर्कर भी हूँ, जितना मेरा हो सकता है मैं खिदमत करता हूँ, लेकिन ये बताने वाली चीज़ नहीं होती है। और इलाका बहुत हमारे से खुश है क्योंकि मैं सियासी वर्कर भी हूँ, उसके साथ सामाजिक वर्कर भी हूँ। और दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी जो फैसला करेगी उसको तो ज़ाहिर है हम लबे की कहेंगे, जो चेयरमैन साहब फैसला करेगा। अभी तक किसी भी MPS या MNA का फैसला नहीं हुआ है, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेगा, अदी फरियाल साहब करेगी, उसी के बाद जिसको भी टिकट मिला ज़ाहिर है वो अपनी वर्किंग करेगा। लेकिन हमारी पहली जो है वर्किंग हो चुकी है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में मुझे ही टिकट मिला था, जो अब मैंने पूर्व वर्किंग भी कंप्लीट की थी। उसके बाद कोर्ट सगोरी ने जो है 4 दिन बच गए थे, उसने इलेक्शन जो है मुलतवी की थी। लेकिन हम पुरुद हैं, इंशाल्लाह हमें टिकट मिलेगा। हम अपने, क्योंकि हमारा इलाका है, हमारा गोट है, हमारी बिरादरी है, हम तो उधर ही रहने वाले हैं, आपको पता है सारे पहचानने वाले, हमको तो काम करना ही करना होगा, क्योंकि इलाके में रहना है तो काम करना ही करना होगा। सुबह असम्बली है जिससे मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और ये वो हल्का है जहाँ 2002 से 2007 तक मैं MPA रहा हूँ। और यहाँ जो हम जमात इस्लामी के डेवलपमेंट के जो काम हैं उससे अवाम बहरहाल मुतमिन भी है, और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जबकि कराची को अमलन PP, MQM और नवाज शरीफ ने बर्बाद कर दिया है। और जिस तरह से नवाज शरीफ ने कराची के अवाम के बारे में गलत कमेंट जारी किए हैं, वो अमलन कराची के अवाम के लिए एक ताजियाना है। और कराची के अवाम इंशाल्लाह ताला इसका जवाब इस तरह से देंगे कि तराजू को वोट देकर, जमात इस्लामी को वोट देकर हाफिज़ नईम उर रहमान के हक में। मैंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से PS 101 पे फॉर्म भरा है, PS के टिकट में लड़ रहे हैं इलेक्शन। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जो हक सच का और इंसाफ पर जलने वाली, इस वजह से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने अपना कागज़ जमा कराएँ PS 101 से, और इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं, जो भी मामलाते हैं आपको पता है। इस टाइम तो GDA की तरफ से 98 पे खड़ा हूँ PS पे, और इंशाल्लाह मुझे, मैं पुरुद हूँ तो मैं इंशाल्लाह कामयाब होके इलाके की आम आवाम की बड़ी खिदमत। जी नाज़रीन, उम्मीदवारों का कहना था कि अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया तो वो जीत के आवाम की खिदमत करेंगे। यशफी इरशाद, हरारत न्यूज़, कराची।